कमिश्नर्स हैं जिनके सबसे पहले हमारे चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत जी यहाँ बैठे हैं कि इन लोगों को सरकार से स्वतंत्र रखने के लिए ये जरूरी है कि सरकार का इनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी कंट्रोल ना हो, इनकी जो तनख्वाह है वो कानून में तय कर दी जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह होगी उतनी ही मिलेगी, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के थे उनको हाईकोर्ट के जजों की तनख्वाह के बराबर, और उसमें ये भी कहा गया कि उनका एक फिक्स टेन्योर होगा 5 साल का या जितना भी या जब तक वो 65 साल के होते हैं, और उससे पहले सरकार उनको हटा नहीं सकती। अब जो संशोधन लाया जा रहा है, जो सरकार मौजूदा सरकार जो संशोधन ला रही है, देखिए इस कानून को में फेर बदल करने के कई बार प्रयत्न किए गए, पिछली सरकार ने भी किए, मौजूदा सरकार ने भी किए, उन्होंने ये भी कोशिश करी कि भाई फाइल नोटिंग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि भाई फाइल नोटिंग जो फाइल पर अक्सर लोग लिखते हैं अपनी नोटिंग लिखते हैं कि वो बाहर आ सकती है कि नहीं, इस पर बहुत कोशिश करी, बार बार सरकारों ने कोशिश करी कि भाई इसको हटा दें सूचना के अधिकार में से, लेकिन नहीं हटा पाए क्योंकि जनता का इतना दबाव पड़ा कि वो नहीं हटा पाए, और फिर संसद में भी बहुत सारी पार्टियों ने उसका विरोध किया जनता के दबाव के कारण, तो नहीं कर पाए। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हम जो ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं जो आखिर में तय करते हैं कि कोई सूचना दी जानी है या नहीं दी जानी अगर सरकार उसको अपोज कर रही है, तो संशोधन ये लाए हैं कि उनका टेन्योर कितना होगा, कितने साल के लिए नियुक्त करे जाएंगे ये सरकार तय करेगी, उनकी तनख्वाह कितनी होगी ये भी सरकार तय करेगी।